मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव होने हैं लोकसभा क्षेत्र में, और हम आज बात करेंगे दमोह लोकसभा सीट की। यहां से प्रत्याशी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल लोधी, कांग्रेस पार्टी की ओर से तरवर सिंह प्रत्याशी हैं, और दोनों के बीच टक्कर कैसी है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा माना जाता है, और बीजेपी सांसद ने किस तरह के बीते साल में काम किए हैं, तमाम बातें जानेंगे। आइए करते हैं वोट यात्रा। तो चलिए वोट यात्रा में बात करेंगे यात्रियों से कि यहाँ पर किस तरह के काम हुए हैं, कौन से मुद्दे हैं। कहाँ जा रहे हो आंटी आप? गौरा। अच्छा, तो आप दमोह के हो? हाँ। दमोह के हो, सांसद कौन है आपको पता है? सांसद अभी प्रहलाद पटेल रहे हैं। हाँ, काम वाम किए कि नहीं किए? अरे काम वाम तो कुछ नहीं किए। नहीं किए। और क्या जरूरत है दमोह में अभी लग रही है आपको? अरे जरूरत तो बहुत है, मगर अब क्या बताएं, कुछ हो ही नहीं पा रही। हाँ, नहीं हो पा रहा है काम। अच्छा, आप वृद्ध हैं, कुछ पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन तो मिलती है। हाँ, मिलती है। क्या करते हैं आप? खेती? खेती अब ये अवस्था में का हुआ है, थोड़ी सी खेती है, नहीं कर पा रहे। नहीं हो पा रही। और लोग भी हैं हमारे साथ, और लोगों से बातचीत करते हैं, कौन कहाँ जा रहा है और क्या मुद्दे समझ रहे हैं वो लोग जानेंगे। आप बताइए दादा, आप कहाँ जा रहे हैं? मझौली जा रहे हैं। मझौली। आप भी दमोह में रहते हैं? नहीं। अच्छा, आपका लोकसभा क्षेत्र क्या पड़ता है? जबलपुर। जबलपुर पड़ता है। अच्छा, वहाँ तो काम हुआ है? हाँ, काम लग रहा है आपको। अच्छा, आप दमोह आए यहाँ पर और अब आप यहाँ से वापस जा रहे हैं, लग रहा है कुछ चीज़ों की ज़रूरत है? बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। जी जी। आंटी आप कहाँ जा रहे हो? ये हम जबलपुर जा रहे हैं। जबलपुर जा रहे हो, यहाँ रहते हो या जबलपुर? नहीं नहीं नहीं, मैं सागर में रहता हूँ। यहाँ घूमने आए थे? कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगता है, अच्छा लगा। हाँ, शादी में जा रही हूँ मैं तो। अच्छा, शादी में जा रहे हो। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हो? जबलपुर जा रहे हैं। आप भी जबलपुर जा रहे हो। बढ़िया है दमोह की, लग रहा है कि अभी थोड़ा और सुधार। हम लोग का तो सफा रहेगा, क्या बताएं, हम उसमें रहते तो कुछ समझ में आता। बस में आते जाते रहते हो? वो नहीं, बहुत साल खाड़ में आना होता है तो क्या समझ में आएगा आपको, तो कई सालों में आएगा। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा आपका नाम क्या है? डॉक्टर मोना। अच्छा, आप डॉक्टर हो? क्या एज है आपकी? कोई बात नहीं, लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए। आप वोट डालोगे ना इस बार? एक्चुअली आई एम फ्रॉम जबलपुर। अच्छा, तो वहाँ पे डालोगे। अच्छा, दमोह आए हो आप तो खुद डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, समझ रहे हो कुछ और लग रहा है आपको चेंज की ज़रूरत है यहाँ? डेवलपमेंट तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, बट एज सच नो कमेंट्स, क्योंकि आइडिया नहीं है दमोह के बारे में। ठीक। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? जबलपुर से आए हैं, शादी में। कहाँ आए हैं? हाँ जी, वोट तो आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या मुद्दे रहे हैं आपके क्षेत्र में, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं वोट डालने के। अब यहाँ ससुराल का अपन खुद का अंदाज नहीं है, बाकी जबलपुर से आ रहे हैं, ससुराल कुंडलपुर से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जबलपुर जा रहा हूँ। यहाँ पे क्यों आए थे आप, यहाँ रहते हैं? मैं कुंडलपुर में महोत्सव में आया था। अच्छा, ये दमोह में क्या चुनावी मुद्दे आपको लग रहे हैं? एक्चुअली मैं जबलपुर ज़िले से हूँ तो यहाँ के बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, हमारे तो बीजेपी का माहौल अच्छा है वहाँ पर, और मोदी आएंगे इस बार। और यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ का मुझे नॉलेज नहीं है। ठीक है, और युवा वोटर्स हैं, आप बताइएगा आप यहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं? मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, दमोह आया था, छतरपुर जाना था। मैं ऑल इंडिया ट्रैवल करता रहता हूँ, फॉरेन में ट्रैवल करता रहता हूँ। वो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इलेक्शन के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट डालें, और वोट डालना भी चाहिए। अभी ये दमोह में क्या लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है कि इधर का बस स्टैंड और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, एसी बस स्टॉप मिलना चाहिए, एसी बसेस ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेन्स के डिब्बे ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखे होंगे एसी होते जा रहे हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि बसेस भी एसी होती जाएँ। आप अगर लोगों को सुविधा दोगे तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जब तक सुविधा, जैसे लोग बोल रहे थे स्मार्टफोन हम नहीं, इधर की जनता नहीं चला पाएगी स्मार्टफोन, आपने दिया तो उनने चलाया ना, आपने यूपीआई दिया तो उनने, उन लोगों ने चलाया ना। तो बस यही है मेन मुद्दा कि आप इधर पे थोड़ा बस स्टॉप थोड़ा बेटर कर दो, और रोड तो बहुत अच्छी करी दी है गडकरी जी ने अपने पूरे इंडिया की, तो मुझे उससे कोई वो नहीं। अच्छा, है। और बाकी आप समझे कि हाँ एजुकेशन कैसा है लोगों का, बातचीत से समझ में आया कुछ? एजुकेशन बड़ा है, लोग आजकल ज़्यादा जागरूक हुए हैं कि हमको अपने सिर्फ 12 तक नहीं पढ़ना है कि हमको आगे भी पढ़ना है, और थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट जिसको कहते हैं वो भी हुए हैं लोग, पहले कुछ भी नहीं जानते थे। तो आपने अगर उनको
सुविधाएं दी हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब एजुकेशन तो अच्छा हुआ है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे बदल भी रहा है और उसमें और इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, सरकारें धीरे धीरे आगे को काम कर रही हैं, तो मेरा बस इतनी कहना है कि और बातचीत करेंगे। आप बताइएगा कहाँ जा रहे हो आप? नौटक। क्या उम्र है आपकी? 18। 18 साल। वोट डालोगे? जी। फर्स्ट टाइम पहली बार वोट डालोगे आप तो? हाँ। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं ध्यान में रखोगे वोट डालने के लिए? इसके बारे में हमें नहीं मालूम। अच्छा, अपने एज के लोगों को तो कुछ बोल दो टीवी में कि वो क्या कर सकते हैं, वोट डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए वोट। वोट डालना चाहिए। तो दादा कहाँ जा रहे हो आप? हम तो जबलपुर जा रहे हैं। दमोह में रहते हो आप? नहीं रहते, जबलपुर। अच्छा, कुछ लगा दमोह में सुधार की जरूरत है, आपने ध्यान दिया? हमको तो अभी आए थे। अच्छा, अभी आए, अभी जा रहे? हाँ जी हाँ। चलो ठीक है। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? हम जबलपुर। जबलपुर जी। ठीक है, और भी लोग हैं, और भी वोटर्स हैं, अब वो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, कई महिलाएं वोटर्स भी हैं, और सभी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुद्दे जो हैं वो ठीक ठाक हैं। अम्मा आप कहाँ जा रहे हो? अवाना जा रहे हैं। यहीं रहते हो आप? हाँ, अवाना में। अच्छा, अवाना। तो क्या वोट डालोगे? डाल हैं। डालोगे? डाल हैं। कुछ मांगे वांगे पूरी हुई हैं आपकी? कुछ काम हुआ है कि नहीं? अब भाई अब तो कछु नहीं भाई है। नहीं हुआ है अभी? कछु नहीं भाई है। क्या करते हो आप? मजदूरी कराते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी में तो बड़ी दिक्कत होती होगी? बहुत परेशानी हो। सरकार से लाभ पैसा वैसा नहीं मिल रहा है? 600 रुपया। 600 रुपये मिलता है बस? 600 काहे का मिलता है? पेंशन मिलती है। पेंशन? अच्छा, और कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता। के मुद्दे क्या है यहाँ पे वोट डालेंगे तो? यहाँ पर कॉलेज वगैरह की कमी है। हाँ, बस यही है। और अस्पताल है कि नहीं? अच्छा। हाँ, अस्पताल है लेकिन फैसिलिटी कम है, डॉक्टर वगैरह कम है यहाँ पर। हाँ, उनको बढ़ाया जाए। हाँ। और सुविधा, डॉक्टरी सुविधा अच्छी दी जाए बस। हाँ। बस। में तो कछु नहीं है, कुछ काम है। काम। अच्छा। बस यही मजदूरी। कोई नेता वेता आते हैं कि नहीं आते? कोई नहीं आते, नहीं आते। बात भी नहीं करते? बात भी नहीं करते। आते हैं तो कोई गरीबों की सुनता ही नहीं है। नहीं सुनते, नहीं सुनते। चलिए आप बताइएगा आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तेजगढ़। यहीं के रहते हैं? हाँ जी। रहने वाले हैं? हाँ। बताइएगा क्या बातें लग रही हैं आपको दमोह में? दमोह में ये कि कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा, काम हुआ हो ना हुआ हो? काम तो वो ऐसा है कि देखो मोदी जी बहुत सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं सुविधा। हाँ। अच्छा। गेहूँ है तो गेहूँ भी 1 रुपया किलो है। क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। मजदूरी के बाद कुछ और सरकार की तरफ से क्या क्या मिल रहा है आपको? हमको सरकार की तरफ से राशन मिलता है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी कुछ नहीं मिलता? मिलता है, राशन मिलता है और पैसा मिलते 600 रुपये और राशन मिला थे। मिला थे, उसके अलावा भी और कुछ नहीं? ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं दादा? हम तो घर जा रहे हैं। नोटा? घर जा रहे हैं। नोटा? तो बताइएगा आप वोट डालेंगे कि नहीं? 26 को है ना वोटिंग? हाँ, वोटर है ना, वोटर डालेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके? भाई हम लोग फूल वाले, फूल में डालेंगे वोटर का है। ये तो थोड़ी ना कोई बात होती है। पार्टी में फूल है, पार्टी में डाले। तो काम वाम हुआ है लग रहा है? कुछ नहीं, हम मंजूरी कर रहे हैं। मंजूरी करेंगे तो लोग काम का नौकरी कर नहीं रहे, तो हमारी नौकरी को तिरान से बड़ा कर देवे, जो कर देवे मंजूरी कर दे, कर मंजूरी अपन कर ही रहे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि चुनाव नज़दीक है और वोटिंग में उनके क्या मुद्दे हैं। एक युवा वोटर भी हैं। आप यहीं रहते हैं दमोह में? नहीं, मैम अवाना से हूँ मैं। अच्छा। लोकसभा क्या पड़ता है आप? ये मेरा लोकसभा दमोह क्षेत्र पड़ता है। क्या कुछ काम वाम हुआ है वहाँ के? नहीं हुआ है। काम तो हो रहा है मैम, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ, मैं मतलब दमोह से पड़ा हुआ हूँ, तो मतलब पहले से बहुत दमोह की तस्वीर बदली है जी। अच्छा, आपको अपना गांव छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के दमोह पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैम मैं मतलब प्राथमिक शिक्षा मेरी यहीं से हुई। मैं मतलब हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल मैंने मतलब गांव के सरकारी स्कूल से ही की है जी। अच्छा, तो अभी वोटिंग होनी है यहाँ पे, 26 तारीख को वोट डालेंगे। डालेंगे कि नहीं? बिल्कुल डालेंगे मैम। वो सभी लोगों से कहेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें। काम हुआ है ये मान रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दमोह से। दमोह से हैं आप? जिला दमोह, और हमारा गांव पड़ता है गोपालपुरा। अच्छा।
जी। आपके गांव गाँव में कुछ काम हुआ है कि कमी लग रही है? कमी तो बहुत सी है, बहुत कमी है। सांसद कौन है पता है आपको? आप अभी तो वर्तमान में है प्रहलाद पटेल। अच्छा, प्रहलाद पटेल जी, जानते हैं आप। काम किए हैं वो? उतना नहीं किया है, 40% काम किया है। अच्छा, अब तो मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन अब वोट डालेंगे तो आप मुद्दे उठाएंगे अपने कि ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल। क्या ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं? किसानी करते हैं आप? जी, किसानी भी करता हूँ और थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ जी। अच्छा, किसानी से नहीं हो पाता है? नहीं, किसानी से नहीं हो पाता है। नुकसान तो होता ही होगा क्योंकि यहाँ सूखा पड़ता है, पानी की दिक्कत भी है क्या? यहाँ सूखा पड़ता है जी। उसके बाद कब तक सर्वे वर्वे हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं? पैसे लेट भी हो जाते हैं, जैसे मिलना चाहिए 1 महीने में वो मिलते हैं 2.5-3 महीने में, ऐसा रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे गांव में समस्या ये है कि बाढ़ आ जाती है। हमारा गांव है नदी किनारे है, ठीक है, तो बाढ़ आ जाती है। पुलिया है, नीची है पुलिया, कम से कम 20 फुट ऊपर होनी चाहिए थी। हम लोग क्या हो जाते हैं कि पानी घेर से आ जाता है पानी और हम लोग बीच में रह जाते हैं। 2005 में बाढ़ आई थी, उस दिन हम लोग कम से कम 1 हफ्ते अवाना में रुके थे। तो तब इतना दौरे में आते हैं? आते हैं तब आते हैं जब समस्या आती है, ऐसे पहले से नहीं आते कि भाई आपकी ये समस्या है तो हम पहले से सॉल्व करते हैं। समस्या सुलझाते भी हैं कि नहीं? हाँ, समस्या तो सुलझाते हैं। चलिए ठीक है, और भी वोटर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर कि उनके क्या मुद्दे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर। अच्छा, आप साथ में यहाँ पे किसी काम से आए? किस स्टॉपेज था? मैं सागर गया, सागर से रिटर्न हो रहा हूँ। कैसा है दमोह, आपको सही लग रहा है? मैम, एक्चुअली मैंने दमोह तो घूमा नहीं है। हाँ, हाँ। बस ऐसे ही बस ही हूँ अभी तक। अच्छा, बस बस जी। बस में ट्रैवल करते रहते हैं कि पहली बार करते? नहीं नहीं मैम, अभी तीसरी बार है। सड़कें सही लगती हैं? बस में ट्रैवल करना कन्वीनियंट लगता है कि नहीं? मैम, सड़कें तो थोड़ी गड्ढा गुड्ढी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सागर से रूट में जबलपुर तक में बहुत सी गड्ढा गुड्ढी है और आवागमन में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा, वोटिंग होनी है, आप अपनी उम्र के लोगों को या देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश दूंगा कि जो भी अपने मतदान करें तो अपना सोच समझ के मतदान करें, जिससे आने वाले कल को अपना खुद अपना स्वीकार कर सकें। ये बड़ी बात है कि सबको सोच समझ कर मतदान करना चाहिए ताकि आने वाले समय में सभी लोग अपना प्रत्याशी खुद सोच समझ कर चुन सकें। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। हालाँकि सफाई को लेकर भी कुछ लोग ये मांग उठा रहे हैं कि बस स्टैंड्स की सफाई होनी चाहिए खास तौर पर, और हम इसीलिए इस बार वोट यात्रा में बस से यात्रा कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि बस की क्या स्थितियाँ हैं, जिस तरह से रेलवे की स्थिति सुधरी है। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर। अच्छा जी, तो आप वोट डाल चुके हैं? डालेंगे? नहीं डालेंगे, हमारे यहाँ तो अभी लेट वोटिंग होगी। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। निराशा हाथ लगी है क्या अभी तक? हाँ, निराशा ही है। हाँ। अभी तक तो उतना ऐसे काम है जो नहीं हुए? बहुत कुछ ऐसे काम है जो हाँ, इनको करने चाहिए और नहीं हुए। अच्छा। जैसे अस्पताल अस्पताल बनाए कि नहीं? हॉस्पिटल भी है लेकिन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर न बैठते नहीं उसमें। जब हम लोगों की स्थिति ये है तो बाकी लोगों की स्थिति जो पढ़े लिखे कम है उनकी स्थिति क्या होगी? ये सर, आप बताइएगा दादा, कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम इंदौर रहते हैं। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में कैसा क्या काम हुआ है? अभी कुंडलपुर गए थे, वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, वहाँ अटेंड करने को, वहाँ से हमने कहा जबलपुर निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ 13 मई को जबल वोटिंग है इंदौर में। हाँ, लोगों को कहेंगे वोट डालना चाहिए? वोट डालना चाहिए, जन्म सदिकार वो तो डालने वाला। निश्चित रूप से, तो यहाँ पर लोग यात्रा कर रहे हैं, कई तरह के मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन लोग जागरूक हैं इस बात को लेकर कि उन्हें वोट डालना चाहिए और वोट डालें। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण का चुनाव होना है और उसके लिए हम बात कर रहे हैं दमोह लोकसभा सीट की। दमोह लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। खुद को कितनी मजबूती से देखते हैं राहुल लोधी? आपके सामने आपके ही पुराने मित्र इस बार चुनावी मैदान में हैं और ये चुनौती है क्या आपके लिए? ये चुनौती नहीं, ये मोदी है और मोदी जी द्वारा निरंतर 10 वर्षों में जो
भारत को क्रमांक एक का देश बनाने के लिए काम किया जा रहा है, उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर अपार समर्थन मिल रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए, हम लोग के लिए कांग्रेस से। दमोह वो लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। प्रहलाद पटेल जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं, अब ये परंपरा राहुल लोधी आगे बढ़ाएंगे क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे 12 महीने काम करता है। तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, इसके पहले आदरणीय प्रहलाद जी यहाँ से सांसद थे और मंत्री थे, आज उनकी भूमिका दूसरे रूप में आई, वो विधायक और अब मंत्री हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। तो आज मुझे मौका मिला है, कल किसी और को मिलेगा। तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बदलती रहती है। तो ये राहुल लोधी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी है जो समय समय पर लोगों को अलग अलग जवाबदारी देके उनसे काम कराती है। एक सवाल सियासी है, राहुल लोधी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मुझे वो दौर याद है जब राहुल लोधी ने कहा था कि वो दूसरे दल में कभी नहीं जाएंगे, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आपको सत्ता और दल में परिवर्तन करना पड़ा अपने? जब मैं कांग्रेस में था तो उस समय मैंने कमलनाथ जी से आग्रह किया था कि मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ तो मैं ये वादा करके आया हूँ कि मेडिकल कॉलेज दमोह में देना है, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र है और यहाँ पानी और स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्याएं थी। और जब मैं जीता तो मैंने कई बार आग्रह किया पर वो चीज़ें पूर्ण नहीं हुई। और जब हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो आदरणीय शिवराज सिंह जी ने विधिवत उसका भूमि पूजन किया और आज दमोह से 2 किलोमीटर दूर बरपट्टी है, 300 करोड़ से अधिक लागत से एक भव्य मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है। तो मेरे जीवन की यह उपलब्धि है, ये मायने नहीं रखता कि आप किस दल में थे क्या करें, मायने ये रखता है कि जब आप राजनीति करें तो जिस वादे को लेके, जिस चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में आए हैं वो पूर्ण होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने जो मेरे से वादे किए थे वो पूर्ण हुए और आज एक साल के भीतर मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। तो हमारा दमोह, मलेरा और आपका छतरपुर का जो इस तरफ का पूरा एरिया है ये जबलपुर जाने से बचेगा और इनको सारे स्वास्थ्य के लाभ दमोह में मिलेंगे। और जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो व्यवसाय भी आता उसमें और बहुत सी चीज़ें आती है। तो मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहले ही मौके में जब मैं विधायक बना तो इतनी बड़ी उपलब्धि मैं दमोह को लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ पर जातिवाद चलता है, लोधी वोट बैंक है, दबदबा रहा है और ये कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इसी रणनीति के तहत अपना प्रत्याशी इसी समाज से उतारा है। राहुल लोधी अगर फतह हासिल करते हैं तो यहाँ पर राहुल लोधी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उजागर करेंगे और दमोह में काम करेंगे? देखिए, ये चुनाव जो है मोदी जी के जो 10 वर्ष के कार्य हैं उनको लेकर है और आज हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो उज्ज्वला योजना, मैं छोटी 2-3 चीज़ें गिना देता हूँ क्योंकि मैं गिनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, ऐसी बहुत सारी योजना। अभी 2 चीज़ें बहुत हमारे घोषणा पत्र में आई हैं। एक तो सबसे पहला आ गया कि जो 70 वर्ष की आयु के जो लोग हैं वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो करोड़पति हों, चाहे लखपति हों, कुछ भी हों, उनको भी आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर ये योजना का लाभ मिलेगा। और एक और बड़ी योजना कि जो प्रधानमंत्री आवास में जो लोग रह गए थे ऐसे 3 करोड़ परिवारों के लिए भी अब प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा जाएगा। तो निरंतर विकास और सतत प्रयास ही मोदी सरकार का एजेंडा है, तो वो लेके हम जा रहे हैं। प्रारंभिक रूप से मेरे 5 वर्ष के विधायक कार्यकाल की उपलब्धि मेडिकल कॉलेज था, दूसरी उपलब्धि हमारे पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी, जब वो अभी वर्तमान में विधायक हैं और बड़े लंबे मार्जिन से जीते हैं आदरणीय मलैया जी, जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे इसके पहले, तो उनके कार्यकाल में सतधरु और सीतानगर परियोजना का बड़ा प्लान प्रोजेक्ट आया, जो बड़े बांध बने हैं और दमोह शहर के लिए राजनगर बांध से पानी देने का काम किया है। तो हर घर जल, वो भी नल से देने का काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत
माननीय मोदी सरकार जी और माननीय प्रहलाद जी के विभाग से हुआ। आज जो गांव रह गए हैं और उनको भी जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में पहली समस्या मुझे जो समझ में आई थी कि स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए तो मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि आई, दूसरे पानी को लेकर आई, लेकिन अभी भी कुछ गांव वंचित है। तो फेस टू में जब वो होगा तो हम उसको जोड़ेंगे। और वर्तमान में क्योंकि शुरुआत है, विधायक रहे तो एक समुचित दायरे में रहे, पर अब 8 विधानसभाएं हैं, क्षेत्र बड़ा है और सब चीज़ें बड़ी है, लेकिन मोदी जी के कार्य और मोदी जी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी का हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तो लगा हुआ, तो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, चीज़ें निकल रही हैं और अब आएंगी। और कल माई की कृपा से नर्मदा की जब दिल्ली पहुँचेंगे तो आप पत्रकार साथी हैं और लोग सबसे अपन अनुभव लेंगे, सबसे चीज़ें करेंगे और क्या अच्छा बेहतर अपन कर सकते इस क्षेत्र के लिए करेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य वही है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंचे। और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी ये जिम्मेदारी कि जब हम कोई राजनीति करते हैं तो राजनीति में ये ना निकल जाए कि 5 साल निकल गए और पता नहीं चला। मेरे इन 5 वर्षों की उपलब्धि मेडिकल कॉलेज है, तो इन 5 वर्षों में मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, सबसे लेके हम लोग तय करके कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो भी एक मील का पत्थर जो है लैंडमार्क साबित हो इस पूरे संसदीय सीट के लिए। शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी, जिन्होंने कहा कि जनता सतत विश्वास पर भरोसा जताएगी और एक बार फिर से जीत बीजेपी की होगी। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, दमोह।